मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज एक नया टॉपिक है क्लास टेंथ का, ट्रायंगल से रिलेटेड। जो आप देख रहे हैं तो इसमें आज मैंने पहले ही गिवन और टू टू लिखा था कि आप लोगों को ज्यादा टाइमिंग वेस्ट नहीं करना पड़े इससे रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक चीज रखी है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल एंड बी डी सी ट्राइंगल। दो ट्राइंगल दे रखे हैं और दोनों का बेस क्या है? सेम बेस है। वो दोनों एक दूसरे को, ए सी लाइन और बी डी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट के ऊपर। यदि ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, साथ में ये रखा कि एंगल ए और एंगल डी दोनों ही 90 डिग्री पर बने हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ए इंटू ई सी और बी ई इंटू ई डी दोनों जो हैं इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो प्रूव करने के लिए जैसा दे रखा है, हम गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे और उसके बाद प्रूफ करेंगे, या कंस्ट्रक्शन होता है तो फिर वो भी हम लिखते हैं। तो गिवन में तो जैसा आपके क्वेश्चन में दे रखा है वही चीज हम लिखेंगे। कैसे कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, बी डी सी एक ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल जो है सेम बेस पर है, सेम बेस उसका बी सी है। अब यहां पर ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल ए और एंगल डी जो है 90 डिग्री का है। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ में भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ई सी क्या बी ई और ई डी के इक्वल होगी। अब जब ये चीज बता देते हैं तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे करें। तो प्रूफ के लिए हम एक चीज देखो कि यहां पर उसने देखा कि ए ई और ई सी और बी ई और ई डी दोनों मिलाकर कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है और एक ट्राइंगल आपको ये बन रहा है, कौन सा? ए ई बी ट्राइंगल बन रहा है और ई डी सी ट्राइंगल बन रहा है। यदि हम इस ट्राइंगल वन, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंट या फिर सॉरी सिमिलर प्रूव कर देते हैं हम लोग, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं हमारी आ जाएगी। तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक ट्राइंगल ए बी लेंगे और ट्राइंगल डी ई सी लेंगे और दोनों को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट में से जो हो जाएगा उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, या चाहे तो हम इसको पहले लिख लो, ए बी लिख लें, इसको डी ई सी लिख लें। तो इसको हम प्रूफ करने से पहले एक चीज देखेंगे कि एंगल बी ए इक्वल एंगल ई डी सी क्यों हो गया? ये हो गया इच 90 डिग्री दे रखा। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा आपने, क्वेश्चन में गिवन कहा है ए एंड डी आर 90 डिग्री। अब देखिए एक और चीज देखिए हम लोग कि एंगल ए ई बी एंगल बी ई सी ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब यहां देखिए कि दो एंगल हमारे यदि प्रूव हो जाते तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे आपके। कैसे? देन ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई सी से, कैसे? एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये दोनों यदि सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग सिमिलरिटी की डेफिनेशन से एक चीज और देखेंगे यहां पर कि यहां पर ए अपॉन ई डी जो होगा वो बी ई अपॉन बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। अब देखिए हमने पहले बताया था कि हमारे पास दिए गए ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो हम सिमिलरिटी की डेफिनेशन से इस फॉर्म में आ जाएगा आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन आ रहा है, इसका इंटू यहां कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ए इंटू ई सी इज इक्वल्स टू बी ई इंटू ई डी आपका प्रूव हो जाता है। हैंस प्रूव। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में मोस्टली आता है। थैंक यू।